वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। यहां पर सात पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट में है कि -7/21 क्या 3/9 के बराबर है। ठीक है, देखिए हम इसको छोटा करेंगे तो 7 में 21 इज डिविजिबल बाई 7, 7 का भाग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/3, -1/3 हो जाएगा। और इधर क्या है, 3.9 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये 1/3 प्लस का है, ये 1/3 9 का है, इसीलिए ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, दी शेयर नॉट सेम, ये दोनों बराबर नहीं है। राइट, पार्ट टू, इसमें क्या है, -16/20 और दूसरा क्या है, 20/-25। ठीक है, देखिए इसको हम छोटा करेंगे तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, -4/5, और इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 माइनस 4/-5 और -4/5। अब हम इसको -4/5 को मान लीजिए -1/-1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये -- प्लस हो जाएगा, यानी 4/ ये क्या हो जाएगा, 5 को -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी ये 4/-5 और 4/-, तो दीज आर इक्वल। ठीक है, सेम है, ये सेम रेशनल नंबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड में क्या है, -2/-3 और इधर है 2/3। देखिए -2 और -2 को हम, इनको दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये -1 को करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3, तो ये सेम हो गए, दोनों आर इक्वल। ठीक है, ये सेम है। अब आपका नंबर 4 क्या है, -3/5 और इधर क्या है, -12/20। देखिए इसको हम काटते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से तो ये क्या हो जाएगा, -3/ इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो -3/5 -3/5, ये दीज आर इक्वल। अब हम इसके पार्ट 5 पे आते हैं। पार्ट 5 में क्या है, 8/-5 और -24/15। देखिए इसको हम अगर 3 से काटेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -8/5। इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो ये कितना हो जाएगा, -8/ ये -, प्लस हो जाएगा तो 5। तो ये दोनों सेम हो गए, मतलब दीज आर इक्वल पेयर्स, दीज आर, दिस इज ए पेयर ऑफ सेम रेशनल नंबर्स। ये है समान परिमेय संख्याओं का युग्म है। ठीक है, अब देखिए आपका हम लेते हैं 6 में क्या है, 1/3 एंड -1/9, 1/3 एंड -1/9। ठीक है, अब देखिए ऊपर की जो संख्या है इसमें सेम ही है इसलिए इसको और छोटा नहीं बनाया जा सकता, तो ये 9 है और ये 3 है इसलिए ये
सेम पेयर नहीं है, ठीक है, नॉट नॉट द पेयर ऑफ सेम रेशनल नंबर, ठीक है, नॉट पेयर ऑफ सेम रेशनल नंबर। अब देखिए आपका नंबर सेवन, नंबर सेवन में क्या है, माइनस फाइव अपॉन माइनस नाइन, और इधर क्या है, फाइव अपॉन माइनस नाइन, ये दोनों माइनस माइनस है और इसमें जो है ऊपर माइनस नहीं है, इसलिए ये समान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो कर भी देंगे इसको, इसमें तो इसको अगर माइनस करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है, अगर इसको हम माइनस से गुणा करेंगे दोनों को, माइनस वन और माइनस वन से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, फाइव प्लस नाइन हो जाएंगे, तो भी इससे नहीं मिलेगा। अगर इसको हम माइनस वन से करेंगे और माइनस वन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव अपॉन प्लस का नाइन हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं मिलेंगे क्योंकि यहां पर ये प्लस का हो गया, यहां पर इसको माइनस वन से किया तो प्लस का हो गया, यहां माइनस का हो गया, यहां प्लस का हो गया, यहां प्लस का हो गया, तो दीज आर नॉट पेयर ऑफ द सेम रेशनल नंबर, नॉट सेम। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, इसके आंसर भी दिए हुए हैं यहां पर, आप देख लीजिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आपको डाउट है तो आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।